नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के बारे में, जिन पे हम गर्व कर सकते हैं। कोरोना महामारी ने आज हमारे जीवन की कई चीजों में बदलाव कर दिया है। हम ऐसे कह सकते हैं कि कोरोना महामारी ने हमारे जीवन जीने के तरीके में बदलाव किया है। अब भारत समेत पूरे विश्व कोरोना महामारी के बीच अपने बदले हुए जीवनचर्या में जीने के माकूल हो गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के मन में डर समाया हुआ था, लेकिन समय के साथ अब लोगों के मन से कोरोना वायरस का डर दूर होने लगा है। और यह सब कुछ हुआ है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। एक समय था जब किसी भी दवाई या वैक्सीन को बनाने में कई सालों का समय लग जाता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने महज एक साल के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो कोरोना वैक्सीन बनाकर तैयार कर दी है। और यह फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगना शुरू भी हो गया है। लेकिन क्या आप भारत बायोटेक की इस विशेष टीम को जानते हैं जिन्होंने यह कोरोना वैक्सीन ईजाद किया है? शायद नहीं। इसीलिए आपको इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आपको अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व होगा। भारत में बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन के पीछे देश के दो सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक डॉक्टर सुमति और डॉक्टर कृष्ण एला की भूमिका बहुत ही अहम रही। कृष्ण एला ने भारत बायोटेक की स्थापना की। इस वैज्ञानिक ने विश्व को बताया कि भारत के वैज्ञानिक किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। इस वैक्सीन के भारत में बनने के बाद से दुनिया में भारत का नाम लिया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे एला के बारे में। डॉक्टर एला का जन्म एक तमिल किसान परिवार में हुआ था। उनकी कंपनी भारत बायोटेक जीका, रेबीज, H1N1, चिकनगुनिया, रोटा वायरस और जापानी इंसेफलाइटिस जैसी वैक्सीन बना चुकी है। डॉक्टर एला को 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर एला को विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी और मनोआ स्थित हवाई यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। वहीं वो दक्षिण कैलिफोर्निया की मेडिकल यूनिवर्सिटी से काम कर चुकी है। साल 1996 में उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और आज मौजूदा समय में इस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए इस कंपनी ने कई अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन बनाने पर भी काम कर रही है। डॉक्टर एला द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, जो भारत यहाँ के वैज्ञानिकों और विज्ञान के लिए बड़े ही गर्व की बात है। डॉक्टर एला के बाद अब बात करते हैं डॉक्टर सुमति के बारे में। डॉक्टर सुमति ने कोवैक्सीन बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। वो इस वैक्सीन को बनाने वाली कोर टीम की प्रमुख हिस्सा रही है। इससे पहले डॉक्टर सुमति चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए वैक्सीन बनाने वाली टीम का अहम हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित संस्थान JNU से PhD हासिल किया है और लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज और IISc बेंगलुरु में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी पा चुकी है। हर भारतीय और वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति को डॉक्टर सुमति पर गर्व है। डॉक्टर एला और डॉक्टर सुमति के अलावा इस वैक्सीन को बनाने में एला के बेटे डॉक्टर रेचेज की भी अहम भूमिका रही। रेचेज ने कोवैक्सीन को सेफ्टी और प्रतिरोधक क्षमता पर रिसर्च पेपर लिखा है। जुलाई 2020 में कोवैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद देश के लगभग 25 सेंटर्स पर लगभग 26,000 लोगों पर इस वैक्सीन का अंतिम ट्रायल किया गया था। इसके बाद इस वैक्सीन को मंजूरी मिली और आज इसे लगाया जा रहा है। वैक्सीन की शुरुआत में देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोविड वैक्सीनेशन के पहले चरण में देश में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइनर वर्करों को भी इसमें शामिल किया गया था। प्राथमिकता सूची में बाकी बचे 27 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैक्सीन आ जाने के बाद से देश की जनता अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस कर रही है। COVID-19 और वैक्सीन से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।